एक और अहम खबर, साउथ चाइना सी में चीन फिर टेंशन बढ़ा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रिल करने जा रहा है चीन। इस महीने चीन रेस्क्यू ऑपरेशन ड्रिल करेगा। पैराकेल द्वीप पर चीनी सैनिक करेंगे ये ड्रिल। साउथ चाइना सी का ये विवादित द्वीप है जिस पर ये ड्रिल करने की तैयारी। अनुराग कश्यप पर आरोप लगाने वाली पायल ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा से माफी मांगी। आपसी सहमति से खत्म हुआ केस। इंदौर में महिला ने धोखेबाज पति की दुकान में की तोड़फोड़, पति पर लगाया पहले से शादीशुदा होने का आरोप। हैदराबाद के मोगलपुरा में राह चलते बचे एक महिला की जान। महिला की सड़क से गुजरने के बाद ढहा दो मंजिला मकान। पेरू में बड़ा विमान हादसा हुआ है। इक्विटो एयरपोर्ट के पास लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद विमान जल उठा, बाल बाल बची क्रू मेंबर्स की जान। अफगानिस्तान के आसमान में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा। आसमान में सेना के दो हेलीकॉप्टर की भीषण टक्कर, 15 लोगों की जान गई। अफगानिस्तान के नवा में दर्दनाक हादसा। एक अभियान में जख्मी सैनिकों को लेकर जा रहा था हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान के हेरात और लगमन में हुआ भयंकर विस्फोट, 13 की मौत, 20 घायल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडालों का उद्घाटन किया। कई जिलों के पंडालों का किया वर्चुअली उद्घाटन। गुरुग्राम में विधायक बलराज कुंडू के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर के विरोध में समर्थकों का हंगामा। राजनीतिक छवि खराब करने का आरोप लगाया। गुजरात के कच्छ में ज्वेलरी स्टोर तनिष्क के शोरूम में सुरक्षा बढ़ाई गई। स्टोर पर हमले की धमकी मिली थी। दक्षिण चीन में नंका तूफान से तबाही। हेनान प्रांत में बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार। रेल और हवाई सेवाएं ठप। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।